Dr. Vijay Study Circle welcomes all of you in the class. और आज हम बात करेंगे विजय स्टडी सर्किल में हमारे जो भी कोर्सेस चल रहे हैं उन कोर्सेस के बारे में कि अभी कौन कौन सी कोर्सेस चल रही हैं, आप आगे आने वाले हमारी क्या क्या प्लानिंग्स हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं माहौल बन रहा है कि जेपीएससी एग्जाम्स बहुत जल्द होंगे, साथ ही साथ जेएसएससी की परीक्षाएँ भी उम्मीद है कि जल्द कंडक्ट हो सकती है। इसके अलावा बीपीएससी के बारे में, बीपीएससी पीटी कंडक्ट हो चुकी है तो बीपीएससी के बारे में भी हमारे क्या प्लान्स हैं, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे हमारे यहाँ कोर्स पीजीटी हिस्ट्री की चलती है उसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी हम देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम जेपीएससी की, और जेपीएससी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखें कि जेपीएससी में हमारे कई बैचेस अभी चल रहे हैं और आगे की हमारी प्लानिंग है। सबसे पहले जेपीएससी इवनिंग में बैच शुरू हुई है पीटी और मेंस दोनों की, इमीडिएट बैच वही है जो कुछ दिनों पहले शुरू हुई थी तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बैच जो हमारी पीटी की आएगी, जो अगर आप बिल्कुल फ्रेश बैच का इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा विलम्ब होगा, वो 15 नवंबर से वो बैच हमारी शुरू होगी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी बैच को ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के डेट आ सकते हैं और एग्ज़ाम के डेट आने के बाद फिर समय कम मिलेगा। किसी वजह से अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप फिर नवंबर में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वो मॉर्निंग में वो बैच शुरू होगी और एक बैच जो अभी चल रही है वो इवनिंग में चल रही है। साथ ही साथ ये बात पीटी के साथ साथ हम लागू करेंगे मेंस पर भी। मेंस की भी बैच हमारी जस्ट कल से शुरू हुई है और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस की बैच कल हमारे दो नए सेक्शन शुरू हुए हैं, पहला तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और दूसरा साइंस, हमारे फिजिकल साइंस, दो तीन क्लासेस उसमें आपके गए हैं तो इस मेंस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए हम लोग विशेष इंतजाम कर रहे हैं और बीपीएससी जैसा कि एडवर्टाइज कर दी है कि ये मेंस एग्जामिनेशन जो 67 का होगा वो 29 दिसंबर से होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो महीने का समय लगभग मिल रहा है, दो से ढाई महीने, तो हम लोग एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं 18 अक्टूबर से। और ये क्रैश कोर्स आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर है और इसमें हम लोग जीएस पेपर कम्प्लीट कराएंगे और हमारे पास दो ऑप्शनल की फैसिलिटीज़ है। एक तो LSW मिस्टर पंकज तिवारी जो रिनाउंड टीचर हैं LSW के, वो पटना से क्लासेस लेंगे, और दूसरी ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री की होगी जो मेरे द्वारा ली जाएगी। इसके अलावा GS के भी क्लासेस होंगे और इसमें DI की क्लासेस आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग DI क्लासेस की हो सकती है। तो BPSC मेंस के लिए हमारे पास यही 18 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो थोड़ी देर में मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि PGT हिस्ट्री की क्लासेस भी जस्ट शुरू हुई है, न्यू बैच, आप PGT हिस्ट्री की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोपहर में क्लासेस प्रतिदिन होती है, 3:30 से 5 बजे तक ये क्लासेस होती है। ये जितने भी क्लासेस मैंने आपको कहा है ये सारी क्लासेस में तीन फैसिलिटी होती है। पहली फैसिलिटी तो ये होती है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस को कर सकते हैं। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट होते हैं उनको ऑटोमेटिक ऑनलाइन लाइव मिलती है, अगर यानी किसी दिन क्लास आप ऑफलाइन नहीं आना चाहें तो घर पर भी लाइव देख सकते हैं। प्लस एक और फैसिलिटी होती है कि आप उसको रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं जो 6 महीने तक की वैलिडिटी होती है। आप जो ये ऑफलाइन के स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन अलग से सर्विस है, सेम क्लास जो क्लासरूम में चल रही उसको आप लाइव भी देख सकते हैं और उसको आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो हमारी हैं ये एकदम से डिजिटल जो है लेटेस्ट अपडेट हैं, और जिस तरह की पिक्चर क्वालिटी और साउंड अभी आपको जा रही है उसी तरह से ये क्लासेस मिलती है। रिकॉर्डिंग 24 आवर्स के बाद अवेलेबल होती है और 6 महीने की वैलिडिटी होती है। तो आप तीनों ऑप्शंस में से जो भी आपकी लाइकिंग है ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, ऑफलाइन वाले को जैसा मैंने कहा कि ऑनलाइन फैसिलिटी ऑटोमेटिक है, ऑनलाइन लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सभी कोर्सेज पर उपलब्ध है। JSSC के लिए भी हमारे पास बैच जस्ट अभी शुरू हुई है
और ये प्रतिदिन क्लासेस होती है। और जीएसएससी बैच अभी हम कंबाइंड बैच लेकर चल रहे हैं जिसमें सीजीएल और अन्य एग्जाम्स शामिल हैं। तो यहाँ पे हमने चार कोर्सेज के आपको बताया, एक जेपीएससी के बारे में बताया जिसमें दो पार्ट हैं, एक पीटी और एक मेंस। फिर हमने आपको दूसरा कोर्स बीपीएससी मेंस के बारे में बताया। फिर हमने आपको जानकारी दी पीजीटी हिस्ट्री के लिए तीसरा कोर्स, और चौथा कोर्स मैंने आपको बताया जेएसएससी। तो आप सब जो भी क्लासेस करना चाह रहे हैं जल्द से जल्द विजय स्टडी सर्किल को ज्वाइन करें। विजय स्टडी सर्किल के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये बीस साल से इंस्टीट्यूट है और 20 साल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक जो है माहौल सभी स्टूडेंट्स के बीच में इसके क्वालिटी को लेकर है, और ये क्वालिटी लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये रिजल्ट के रूप में परिणत होता है। हमारे पास प्रचार के साधन के रूप में ये YouTube है जो हम आप तक पहुँचते हैं, और साथ ही साथ कुछ क्लासेस हम लोग जो आपके ऑनलाइन डाले हुए हैं उन क्लासेस को भी आप YouTube पर देख सकते हैं। तो इसलिए विजय स्टडी सर्किल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी मुझे लगता है कि बेहतरीन ढंग से होगी। सभी शिक्षक यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं और अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग न केवल क्लासेस बल्कि टेस्ट सीरीज भी रेगुलर कंडक्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज कई प्रकार की होती है। एक टेस्ट सीरीज जो होती है वो क्लास टेस्ट को हम लोग नाम देते हैं यूनिट टेस्ट, यानी इसमें टॉपिक्स वाइज टेस्ट होती है, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस यूनिट टेस्ट को एसेस करते हैं और हर वीकली वो टेस्ट होती है। लेकिन बहुत सारे बाहर वाले स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको भी इस यूनिट टेस्ट में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, तो उनके लिए चार्जेस नॉमिनल चार्जेस लेकर उनको भी यूनिट टेस्ट का बेनिफिट मिलता है जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। तो इस यूनिट टेस्ट की फैसिलिटी अभी आपके जेपीएससी पीटी के कोर्स पे है, और ध्यान रखें कि ये पीजीटी हिस्ट्री में भी शुरू हो रही है जो कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री में जो यूनिट टेस्ट है वो 12 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और इसमें टोटल 15 टेस्ट होंगे। जो बाहर के स्टूडेंट हैं जो विजय स्टडी सर्किल के नहीं हैं वो इसको 499 में एसेस कर सकते हैं। विजय स्टडी सर्किल के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट फ्री है। सेक्शनल टेस्ट वीएससी के स्टूडेंट्स को भी परचेज करना होगा, और ये टोटल 10 होंगे, और ये 599 में वीएससी के स्टूडेंट्स को अवेलेबल है, और जो आउटसाइडर्स हैं उनको 999 में ये अवेलेबल है। ये 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, इसमें टोटल टेस्ट 10 होंगे और इसका समय होगा 2 बजे। जो यूनिट टेस्ट है वो रात के समय होगा और ये 9 बजे होगा। ये दोनों माध्यम में आप कोई भी टेस्ट को दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। जेपीएससी मेंस की भी हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। सेक्शनल टेस्ट ये जो है 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जो विजय स्टडी सर्किल के स्टूडेंट्स जो हमारे अभी करेंट बैच के हैं उनको ये सेक्शनल टेस्ट ऑटोमेटिक अवेलेबल है, उनके लिए उनको कोई पे नहीं करना है। जो आउटसाइडर्स हैं उनको 999 पे करना है, और जो विजय स्टडी सर्किल के ओल्ड स्टूडेंट्स बेस्ट बैच के रहे हैं उनको 499 पेमेंट करना होगा जेपीएससी मेंस सेक्शनल टेस्ट के लिए, और इसमें टोटल 10 टेस्ट संपादित किए जाएंगे। इसके अलावा हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमारी क्लासेस तो 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। टेस्ट का डेट अभी हमने फिक्स नहीं किया है, लेकिन अक्टूबर लास्ट तक शुरू हो जाएंगे। तो इतने सारे टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं, अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न्स, उसके अनुसार ये टेस्ट हो रहे हैं। जल्द ही हम लोग जेएसएससी के भी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, और जेपीएससी फुल लेंथ पीटी की भी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। आप सब विजय स्टडी सर्किल को अवश्य ज्वाइन करें, या तो आप क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, अन्यथा आप जो है आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम जोड़ना चाहेंगे कि अगर आप जेपीएससी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट हो चुकी है उसको भी साइट पर जाकर के खुद एसेस कर सकते हैं, उसको परचेज करके टेस्ट आप दे सकते हैं। हमारे साइट जो है www.vijaystudycircle.com है, vijaystudycircle.com है। इसके अलावा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 700-44-68258 पर व्हाट्सअप करके या आवश्यकता पड़ने पर कॉल करके पूरी जानकारी आप
प्राप्त कर सकते हैं। पूजा का सीजन ओवर हो चुका है और जो माहौल बन रहा है, जैसा मैंने आपको कहा कि अब बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, और जिस तरह से पिछली बार जेपीएससी की परीक्षाएं 252 दिनों में कंप्लीट की गई थी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार भी उसी रफ्तार से एग्जाम्स हों, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। इसलिए आवश्यक है कि आपको अगर आवश्यकता है तो आप कोचिंग को ज्वाइन करें। और विजय स्टडी सर्किल एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट, हम प्रोफेशनली कमिटेड टीचर्स के साथ आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से होगी। साथ ही साथ जेपीएससी के साथ साथ बीपीएससी के मौके को आप जाने न दें। बीपीएससी की तैयारी 2-2.5 महीने में की जा सकती है, इतना वास्ट सिलेबस जेपीएससी के लिए नहीं है, तो 18 अक्टूबर से उस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन कोर्सेस के बारे में आपको जानकारी मिल गई हो। अगर आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को आप लॉगिन कीजिए या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7004668258 पर कॉल करके व्हाट्सअप करके जानकारी। हैव ए गुड डे, थैंक यू।